उखली में शुक्रवार को भोटा राधा स्वामी अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि भोटा राधा स्वामी अस्पताल को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि गरीब जनता को सारी सुविधाएं मिल सके। चक्का जाम की खबर मिलते ही भोटा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जाम को खुलवाया। पांडवी पंचायत की प्रधान कंचन का कहना है कि उन्होंने आज 5 से 10 मिनट शांतिपूर्वक धरना दिया। उनकी मांग है कि भोटा अस्पताल को जल्द से जल्द खोला जाए, नहीं तो वे डीसी ऑफिस का घेराव करने से भी परहेज नहीं करेंगे। कि जो है वो उसका जो उसको संग्रोध केंद्र न रखा जाए, उसको जो है प्रशासन जो है सरकार से जो है वो अपील करे। मांग करो कि आप सड़क और मैडम वो तो उन्होंने दिया होगा लिख के कि हम इसको कोरोना के लिए दे रहे हैं। उसके बाद हमने 4 दिन, आज 31 तारीख है, आज तक हमने किया। फिर ये सारी पब्लिक जो है इन्होंने बोला कि अगर हम मुख्य अतिथि महोदय जी हैं इस बात को हमें विश्वास दिला दें कि हाँ कुछ कर रहे हैं कि नहीं। हमें हमारा कोई ये नहीं है कि हम ट्रैफिक जाम करें ऐसी। आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है तो आज सभी को तो इस रोड नहीं बंद करना चाहिए था ना। रोड हमने कोई बंद नहीं किया, कोई बंद नहीं, हमने रोड बंद नहीं किया है, बिल्कुल डिस्टेंसिंग में साइड में। ये तो अभी जस्ट की वो हमारी बात कर रहे हैं। सुनो सर मेरी बात सुनो, अगर वो हमें कुछ मतलब सेटिस्फाई कर देते या हमारे साथ खुद बातचीत कर लेते तो क्या प्रशासन इतना डर रहा है? तो जो जितनी ये जो जनता है, आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, पूरा जो जनता है वो तराई तराई हुई है, सारा जो व्यापार है, पूरे काम धंधे जो है वो अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं है कि गाड़ी, अगर कोई बीमार हो जाता है तो गाड़ी करके वो हमीरपुर जाए। तो नमस्कार जी, प्रधान पांडवी, ये जो हमने आज सांकेतिक धरना किया 5-10 मिनट के लिए, ये हमारा जो चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा था इसके खातिर किया। हमारी जो जनता थी उसकी यही डिमांड थी कि जो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल जो समरोह केंद्र के लिए जो स्थापित कर रखा है इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। इससे पहले हम 27 तारीख को पहले एक डेपुटेशन लेके मुख्य जो उपायुक्त महोदय जी हैं उनके पास गए थे और उन्हें जो अतिरिक्त महोदय जी थे उनको हमने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन वहाँ से हमें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी खोला जाए। ये तो अभी हमारा सांकेतिक धरना था, अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो सारी पब्लिक जो है वो उपायुक्त महोदय जी का घेराव करेगी। ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा में जो है वो यहाँ की जो गरीब जनता है, कम से कम यहाँ 40-50 गांव हैं, तो सारे गांव के लोगों के लिए यहाँ पूरी सुविधा जो थी वो उपलब्ध थी। आज इस कोरोना महामारी से सारा जो जनता का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, पूरे रोजगार के अवसर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो लोगों को आजकल इतनी आर्थिक तंगी आ पड़ी है कि लोगों के पास इतना धन नहीं है कि टैक्सी का किराया भर के हमीरपुर या ऊना टांडा जहां भी जाए। तो इस हॉस्पिटल में, चैरिटेबल हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं जो थी वो उपलब्ध थी। इस कारण मेरा ये महोदय जी से अनुरोध है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस चैरिटेबल हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी खोलने की कृपा करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भोटा से रमन कांत की रिपोर्ट। हमीरपुर में थोड़े ही समय में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले 7-स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी हर साल शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियां छू रहा है। प्लेवे से जमा 2 तक के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल में वेल क्वालिफाइड शिक्षक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मुहैया करवा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में न केवल स्कूल का परिणाम 100% रहता है बल्कि हर साल यह स्कूल प्रदेश की मेरिट लिस्ट में भी अपनी जगह बनाता है। 2005 से स्थापित इस CBSE स्कूल में बच्चों के लिए JEE, नीट और NTA की कोचिंग भी दी जाती है। यहां से निकले होनहार IIT, एम्स और NIT जैसे बड़े संस्थानों में जगह पा चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहां हॉस्टल सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।